टू आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिलासपुर टिकट कलेक्टर के पेपर के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि इस चैनल पर रेलवे से रिलेटेड सेट पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल होते हैं। दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले मैं करूँगा गुजारिश कि जो व्यक्ति नया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों, और आपको इस सेट के पेपर का पूरा 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इसका पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ठीक दोस्तों जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पूछा गया है क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व विरासत दिवस हमारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध तैराक इयान थोरपे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि देश के निवासी हैं, तो यान तो भी दोस्तों विश्व प्रसिद्ध हैं, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिबल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है। जो दोस्तों ट्रिबल शब्द होता है हमारा, ये हमारा किस में प्रयुक्त किया जाता है, फुटबॉल में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, फुटबॉल में हमारा ट्रिबल शब्द प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। यहाँ पूछा गया है भारत में विद्युत रेलगाड़ी, ठीक है, तो हमारा विद्युत रेलगाड़ी कब हमारी स्टार्ट हुई थी भारत में, 1928 में। ऑप्शन दिए गए हैं बी आंसर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है आपका, अगर आंसर ना हो इसका, कन्फ्यूज हो आप, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में धर्मनाथिक राज्य को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष में समाप्त किया था। दोस्तों जो तुर्की में जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था वहाँ का, उसने 1925 में इसको समाप्त किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। हम्मुराबी के नियम किस सभ्यता के थे। दोस्तों हम्मुराबी के नियम हमारी बेबीलोन की सभ्यता के थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेस्ट पारी में सर्वाधिक 400 रन अविजित बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। दोस्तों आपको पता होगा विनायक लारा एक ऐसे खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, जो कि नाबाद 400 रन बनाए थे टेस्ट में, सबसे ज़्यादा इन्हीं का स्कोर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का रुपये की दृष्टि में सबसे अधिक मूल्य है। जो रुपये की दृष्टि में मूल्य पूछा गया है, तो वो होता है पौंड का। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पौंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम टिंकल टिंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है। यहाँ पर उनका लेखक का नाम बताना है, तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जॉन टेलर। जॉन टेलर ने टिंकल टिंकल लिटिल स्टार जो हमारी कविता होती है नर्सरी में होती है, जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भारत की पश्चिम किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक किस देश का था। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो 1498 में कौन आया था, पुर्तगाली आया था, आपको उसका नाम पता ही होगा, कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे जो कर्नाटक राज्य है, इसमें चंदन के घने जंगल हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा का गठन हमारा 81 में है। ठीक है, 79 में संसद होगी भारत की, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, ये अनुच्छेद जो बताए गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, 11वीं सदी का चोल चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर के लिए खोजी गए हैं वह है, तंजावर या त्रिशूलापल्ली। दोस्तों आंसर होगा हमारा 13 का सी, तंजावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में भाड़े से माल परिवहन की मुख्य पद्धति है। दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय रेल में सबसे ज्यादा माल परिवहन की पद्धति है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा माल ढोया जाता है रेलवे से, तो आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, रेलवे। और दोस्तों एक रेलवे ने अभी एक नया एप्स लॉन्च किया है स्फूर्ति, इससे माल की लोकेशन दिखी जा सकती है कि आपका माल कौन सी जगह आ गया है, तो दोस्तों आप वो भी इसकी जानकारी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। दोस्तों आपको बताना है केंद्रीय सूची में नहीं है बैंकिंग, ये हमारा केंद्रीय सूची में है, डाक एवं तार ये भी हमारा केंद्रीय सूची में है, और नागरिकत्व ये भी हमारी केंद्रीय सूची में है, लेकिन जंगल हमारा केंद्रीय सूची में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है। दोस्तों उत्तरी में हमारा सबसे ज़्यादा रूट किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा जोन भी हमारा है उत्तरी रेलवे,
जो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की अलवार थी, दोस्तों दक्षिण भारत की अलवार हमारी संत थी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी एनरॉन भारत में बांधती है, दोस्तों जो अमेरिकी कंपनी एनरॉन है वो हमारे भारत में बांधती है पावर प्लांट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोस्तों एक और करंट एक अभी क्वेश्चन ताज़ा क्वेश्चन है नया नया, जो कि भारत में 5G का टेस्टिंग किया है, वो चीनी कंपनी कौन सी है, तो वो चीनी कंपनी हुवाई है, ठीक है, हुवाई और भारतीय एयरटेल ने मिलकर भारत में 5G गुरुग्राम में वहाँ पर टेस्ट किया है, ठीक है, 5G की शुरुआत, दोस्तों जान लीजिए आप, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है, दोस्तों आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 20 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे, दोस्तों 10 जनवरी 1966 को हमारे ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी दुनिया पद प्रशंसक है, दोस्तों आपको बताना है तीसरी दुनिया शब्द प्रशंसक किससे है, विकासशील देशों के लिए या विकसित देशों के लिए या एशिया के देशों के लिए या सार्क देशों के लिए, दोस्तों हमारा तीसरी दुनिया होता है ये होता है हमारा विकासशील देशों के लिए, जो तीसरी दुनिया पद है, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है ऐसा कि चौथा स्तंभ किससे संबंधित है, दोस्तों चौथा स्तंभ होता है प्रेस से, ठीक है, तो वो भी याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा जो पेपर करेंसी होती है इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका आंसर बताना है 1761 या फिर 1861 या 1855 या 1905, दोस्तों हमारे भारत में कागजी मुद्रा का जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1861 में, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में मीटर गेज ट्रैक के लिए मानक लंबाई होती है, दोस्तों जो मीटर गेज होता है जो हमारा 1000 मीमी होती है, ठीक है, दोस्तों जो हमारा ब्रॉड गेज होता है वो होता है 1676 मिमी, ठीक है, हमारा जो मीट जो नैनो गेज होता है वो होता है 0.676 मिमी, ठीक है, तो ये आप तीनों याद रख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है रेलवे से रिलेटेड कि भारतीय रेलवे में स्वचालित तकनीकी प्रणाली सिग्नल प्रणाली कब से शुरू की गई, तो स्वचालित सिग्नल प्रणाली 1928 से शुरू की गई थी, ठीक है दोस्तों, ये आप भी याद रख लीजिए, आप आ सकता है रेलवे में एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो अवयव है जो जलने में सहायता प्रदान करता है, आपको किसी भी जगह कोई भी वस्तु नहीं जला सकती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होता है, दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस वर्ष शुरू की थी, 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1998, 1 मई 2000, 1 जुलाई 2001, दोस्तों आंसर होगा हमारा 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया, दोस्तों जो हमारे महबूब उल हक हैं जो हमारे पाकिस्तान के जी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने हमारा ये मानव विकास सूचकांक HDI को विकसित किया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। और हमारे पता है आपको कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री भी रहे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी रहे और अमृत सेन भी रहे हमारे अर्थशास्त्री, ठीक है, जिन्हें कि पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था, दोस्तों भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था, आंसर यहाँ पर होगा डी, 5 देशों ने, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्याज दर निर्धारित की जाती है, दोस्तों ब्याज दर हमारी निर्धारित की जाती है, इसका आंसर होगा हमारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जो बैंक वाणिज्यिक बैंकें होती हैं ये ब्याज दर निर्धारित करती हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को पता चले कि पेपर का लेवल किस आता है और पेपर किस लिए